हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने गणों पे। दोस्तों, जैसा कि आपने ऊपर टाइटल और थंबनेल पे देखा, यहाँ पर आपने बिल्कुल ही सही देखा। एयरटेल मित्र ऐप लापू आईडी नंबर लेना हुआ अब और भी आसान 2023 में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हो। अगर आप एक एयरटेल रिटेलर यहाँ पर बनना चाहते हो, मित्र ऐप लापू आईडी यहाँ पर लेना चाहते हो, तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना, क्योंकि आज की वीडियो जो मैं यहाँ पर आपको तरीका बताने वाला हूँ, जेन्युइन और बिल्कुल ही फ्री तरीका बताने वाला हूँ, इसका यहाँ पर आप यूज करके 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर आप अपना लापू आईडी ले पाओगे। और यहाँ पर आपका लापू आईडी भी बनकर यहाँ पर आपको तैयार हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। और ये कैसे, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहना। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव टेलीकॉम से जुड़ी नॉलेजफुल वीडियो यहाँ पर रोजाना देख पाओ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। कोई शॉप चला रहे हो और आप यहाँ पे चाहते हो एयरटेल रिटेलर बनना, और आप यहाँ पे एयरटेल रिटेलर बन के यहाँ पर एयरटेल ग्राहक के लिए रिचार्ज करना चाहते हो, यहाँ पर एयरटेल का नया सिम सेल करना चाहते हो, यहाँ पर एयरटेल का MNP पोर्ट करना चाहते हो, यहाँ पर कुल मिलाकर बात है कि यहाँ पर आप एयरटेल रिटेलर बनना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, और यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कहाँ जाकर जमा करना होता है, कितने घंटे के अंदर यहाँ पर आपका लापू आईडी बनकर तैयार हो जाता है, तो चलिए उसके बारे में आपको डिटेल से समझा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आप अगर रिटेलर बनना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम एज है वो यहाँ पर होना चाहिए 18 वर्ष। अगर आपके पास 18 वर्ष यहाँ पर हो चुका है आपका डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ पे रिटेलर बन सकते हो। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, तो चलिए यहाँ पर उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के अलावा यहाँ पर आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो स्मार्टफोन हो वो यहाँ पर OTG सपोर्ट यहाँ पर हो। यहाँ पर जो है आपको एक बायोमेट्रिक मशीन लेना होगा, और यहाँ पर आपको उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 पासपोर्ट साइज यहाँ पर आपका फोटो लगेगा, और यहाँ पर आपका जो शॉप होना चाहिए वो यहाँ पर आपको अस्थाई होना चाहिए। यहाँ पर जो है कोई चलता फिरता यहाँ पर आपका शॉप नहीं होना चाहिए कि आज यहाँ है कल वहाँ है परसों वहाँ है, तो ऐसा नहीं चलता है। कंपनी की ओर से ये कहा गया है कि यहाँ पर एक अस्थाई शॉप होना चाहिए, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर आपके शॉप पर विजिट किया जाए। तो उसी को लेकर ये सारा कुछ यहाँ पर आपको जो है कंपनी की ओर से रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हो, तो यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट को कहाँ पर जाकर जमा करना है, तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट को आपको अपना एयरटेल का नजदीकी जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होता है वहां पर जाकर जमा करना होगा। तो ये जमा करने के लिए आपको, अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट कहाँ है, एरिया में कोई भी एयरटेल का जो काम करते हैं उनसे आप यहाँ पे पता कर सकते हो। उनका एयरटेल का मित्र ऐप एप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी होता है, तो आप उनसे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी ले सकते हो। ये डॉक्यूमेंट को जाकर आपको डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के पास जमा कर देना है। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट को जमा कर देते हो, तो यहाँ पर आपका जो है 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन आप लॉगिन कर पाओगे। यहाँ पर आप जो नंबर दोगे वो नंबर पे आपका लॉगिन नंबर आपका जो है लापू बनने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका लॉगिन पासवर्ड भी मिल जाएगा। लापू आईडी बनाने का यहाँ पर चार्ज होता है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही जीरो है, यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। लापू आईडी बनवाने का बिल्कुल ही फ्री होता है, और यहाँ पर आप जो भी लोड लोगे उसका यहाँ पर आपको पैसा देना है। जो भी यहाँ पर आप सिम लोगे उसका यहाँ पर आपको ब्लैंक सिम का यहाँ पर आपको पैसा देना होगा। हर सिम के पीछे यहाँ पर आपको जो है 5 रुपया सिम कार्ड का लगता है, चाहे आप नंबर वाला सिम लो या यहाँ पर आप लो यहाँ पर ब्लैंक सिम कार्ड, जिससे यहाँ पर आप MNP पोर्ट अपग्रेड कर सकते हो सिम कार्ड को, या यहाँ पर खोया हुआ सिम कार्ड को चालू कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है सिम कार्ड का 5 रुपया रेट लगेगा। हर सिम जितना सिम आप लोगे उसको यहाँ पर आपको देना होगा सिम कार्ड का चार्ज, और यहाँ पर लोडिंग का चार्ज जो आपका यहाँ पर रिचार्ज लोडिंग होगा, उसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर 2023 में एयरटेल रिटेलर लापू आईडी यहाँ पर आपको कैसे लेना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।